आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर जासूसी कराने का आरोप लगाया है। मधुबनी के झंझारपुर में तेजस्वी ने कहा कि दरभंगा की बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ सीआईडी और स्पेशल ब्रांच वाले भी बैठे हुए थे, आई कार्ड से उनकी पहचान हुई। इतना ही तेजस्वी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में जो पुल पुलिया गिरा है उसी भ्रष्टाचार के पैसे से विज्ञापन दिया जा रहा है। उनके इस आरोप पर सत्ताधारी दलों ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी का ग्राफ अब गिरता जा रहा है, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। मंत्री मंगल पांडे और अशोक चौधरी ने भी निशाना साधा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी ने भी तेजस्वी को निशाने पर लिया। जहां भी हम बैठक कर रहे हैं, हमारी बैठक के अंदर सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे, नोट कर रहे थे। पता चला कि भाई सीआईडी और हम लोगों को लगा भाई पत्रकार है, क्योंकि इंटरनल पार्टी की बैठक होती है तो उसमें फोटो वोटो लेना होता, लेकर के फिर जो है बाहर चले जाते हैं पत्रकार लोग, क्योंकि पार्टी की इंटरनल बैठक है। लेकिन कुछ लोग जो है हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। कार्ड उन्होंने दिखाया बकायदा। अपराधी के 118 नरसंहार किनके राजपाट में हुआ, दो दो जेल ब्रेक किनके राजपाट में हुआ, डॉक्टरों का या व्यापारियों का रंगदारी राजनीतिक संरक्षण में किनके राजपाट में शिलान्यास हुआ, कितने डॉक्टर भाग गए, कितने इंजीनियर भाग गए, कितने व्यापारी भाग गए, कितने होटल बंद हो गए, कितना यहाँ पर गाड़ी का शोरूम बंद हो गया, हमारे राजपाट में हुआ, नीतीश जी के राजपाट में हुआ। तेजस्वी जी पारदर्शी अगर हैं तब उनको जासूसी से क्यों डर लगता है? किस चीज का, क्या खाना खाए इस पर जासूसी है, किससे क्या बात किए, क्या भाषण दिए, ये जासूसी है? ये तो आम पब्लिक के लिए, नेता तो जो भी बोलता है, जो भी जीवन जीता है, पूरा जीवन उसका पारदर्शी होता है, तो वहां पर जासूसी की आवश्यकता नहीं है। हमें लगता है कि थोड़ा सा वो पूरा उपयोग नहीं किए बुद्धि का। नेता जब भी बुद्धि का उपयोग करेंगे तो कभी भी इस तरह की बात नहीं बोलेंगे। नेता ने जिन पदचिन्हों को राजनीति में छोड़ा था, मतलब अपराध, गुंडागर्दी, अपराधियों का को समर्थन, अपराधियों को संरक्षण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, उसी रास्ते पे वो आगे बढ़े तो जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है, तो वो एक्सपायर्ड दवा की तरह अनुपयोगी हो गए हैं राजनीति में। इसलिए अब वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इसका बहुत मायने मतलब नहीं कर रहे हैं। तो नेता तो साफ कह रहा है कि विधि व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है, अपनी जगह है, और सबसे बड़ी बात है कि सुशासन की पहचान यही होती है कि अगर अपराध होता है तो अपराधी कानून के हवाले होते हैं। अगर अपराध हुआ है तो कितने बड़े बड़े कांड का उद्भेदन हुआ है, आप आज कांड होता है ये तो देखते हैं, लेकिन तीन दिन में उद्भेदन होके असली अपराधी पकड़े जाते हैं, ये भी तो वहीं पर बात ऊंची है बेचारे के पास। लालू जी का जासूसी होता तो पता भी कुछ चलता, तो ये लोग है क्या? ये लोग तो भ्रष्टाचारी है, सबको पता है, सीबीआई, ईडी, पूरा रिकॉर्ड है इन लोगों का, कितना रिकॉर्ड चेक करेगा, नया एक भ्रष्टाचार रोज निकल जाएगा, क्या करेगा ये लोग का कोई जांच कराए? जनता ने लोकसभा में मैंडेट दे दिया, 75% सीटें एनडीए को दे दिया, कितना भी लोग गलतफहमी फैलाते रहे क्या फर्क पड़ा?